विधानसभा चुनाव 2024 समाजवादी पार्टी के तालुका अध्यक्ष से एक खास मुलाकात। तो अभी जो फिलहाल में जो कैंडिडेट आए हैं जो टक्कर देने की बात कर रहे हैं कि अब वो आदमी को टक्कर देने के लिए वो अपने आप को बता रहे हैं मैं बराबर टक्कर दे सकता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ इनके बारे में मैं, ये हमारी पार्टी में थे पहला, ये नगर सेवक के इलेक्शन हार गए थे, यहाँ से एमपीए लड़े थे हार गए थे, और इन्होंने कपड़े के जैसा तो पार्टी बदली है, पहले समाजवादी फिर राष्ट्रवादी, इनको मंत्री बनाया था हमारे नेता ने, मंत्री बनाया था छोड़ के भाग गए जैसे, तो अभी शरद पवार को भी छोड़ दिए जिन्होंने मंत्री बनाया उनको छोड़ करके, अभी उनके बेटे अजीत पवार के साथ चले, तो इतनी पार्टियां ये बदल रहे हैं पलटू राम, तो ये आपका क्या ख्याल रखेंगे आप, आपके बारे में क्या सोचेंगे? जिन्होंने इनको बनाया ये उनके बारे में नहीं सोचे तो आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपको तो कभी भी धोखा दे देंगे ये, तो आप होशियार रहो, जनता यहाँ की होशियार रहो, नहीं तो आप बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे इन लोगों के चक्कर में। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा से चुनावी माहौल को देखते हुए समाजवादी पार्टी के तालुका अध्यक्ष गयासुद्दीन शेख से हुई एक खास मुलाकात। पिछले 15 सालों के विकास को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। अभी जो फिलहाल में जो कैंडिडेट आए हैं जो टक्कर देने की बात कर रहे हैं कि अब वो आदमी को टक्कर देने के लिए वो अपने आप को बता रहे हैं मैं बराबर टक्कर दे सकता हूँ, क्या कहना चाहेंगे उनके? क्या कहूँ इनके बारे में मैं, ये हमारी पार्टी में थे पहला, ये नगर सेवक के इलेक्शन हार गए थे, यहाँ से एमपीए लड़े थे हार गए थे, और इन्होंने कपड़े के जैसा तो पार्टी बदली है, पहले समाजवादी फिर राष्ट्रवादी, इनको मंत्री बनाया था हमारे नेता ने, मंत्री बनाया था छोड़ के भाग गए जैसे, तो अभी शरद पवार को भी छोड़ दिए जिन्होंने मंत्री बनाया उनको छोड़ करके, अभी उनके बेटे अजीत पवार के साथ चले, तो इतनी पार्टियां ये बदल रहे हैं पलटू राम, तो ये आपका क्या ख्याल रखेंगे आप, आपके बारे में क्या सोचेंगे? जिन्होंने इनको बनाया ये उनके बारे में नहीं सोचे तो आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपको तो कभी भी धोखा दे देंगे ये, तो आप होशियार रहो, जनता यहाँ की होशियार रहो, नहीं तो आप बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे इन लोगों के चक्कर में। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से गवंडी में नशा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर अबू हाशिम आजमी ने किस तरह की रोक लगाने की कोशिश? देखिए अब नशे के बारे में सबसे ज्यादा अबू हाशिम आजमी ने हाउस में उठाए हैं और यहाँ कई बार मोर्चे निकाले हैं, लेकिन नशा बहुत कम लोग करते हैं, नशा मुझे लगता है 100-200 लोग हैं पूरे गोवंडी में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एरिया में नशा होता है और वो अपने आप को लीडर बनते हैं, उनके एरिया में 12 नंबर रोड से 15 नंबर रोड मट्टी पर ज्यादा करके नशा होता है और वो लोग लीडर बनते हैं वहां के, उन लोग को कोई पूछता नहीं नशे को लेकर के, अब वो आशिम आदमी को बदनाम कर रहे हैं। 12 से 15 लाख की गोवंडी में आबादी है, ज्यादा ही है, 100-200 लोग मुश्किल से ये कारोबार करते होंगे पीते होंगे, उसके बारे में इतना चिल्ला रहे इतना चिल्ला रहे, आज लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, आज लाखों बच्चियां आलमा कर रही हैं, आज लाखों बच्चियां ग्रेजुएशन कर रही हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। अगर इस तरीके से वो गोवंडी के दुश्मन है, अगर गोवंडी को बदनाम करेंगे तो गोवंडी की बच्चियों के बच्चों के अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे बाहर से, क्योंकि गोवंडी को इतना ज्यादा लोग बदनाम कर रहे हैं। आज गोवंडी हमारा तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, 15 साल में आज गोवंडी के हालात देखो, जिन्होंने 15 साल पहले देखा है, मैं गोवंडी जब आया था आज से 15-20 साल पहले 25 साल, तो एक हंडा पानी गिन के मिलता था मुझे, उसी में मुझे गुजारा करना पड़ता था, आज लोग पानी से गाड़ी धोते हैं, नहाते हैं बाहर बैठ के पाइप से, आज ये अबू हाशिम आदमी की देन है, गोवंडी को खुशहाली के रास्ते पे लाया अगर किसी ने तो गोवंडी के अबू हाशिम आजमी साहब ने लाया, और गोवंडी के लोग उनको मानते हैं। ये कुछ लोग हैं वो जो बोल रहे हैं उनका कौन सुनता है, उनका गोवंडी में कोई सुनता है क्या? सोशल मीडिया चल गई है उस पे बोल लो, सबको आजादी है। सर अभी हाल फिलहाल में ही अबू हाशिम आजमी ने मुनव्वर जमान साहब को बुलाया था मोटिवेशन करने के लिए, लोगों के मोटिवेट मिले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अबू हाशिम आजमी ने ये मुनव्वर जमान को इसलिए बुलाया था कि यहाँ के लोग कुछ जो नौजवान बेराह हो गए हैं उनको राह पे लाने के लिए मुनव्वर जमान को बुलाया था, और अल्लाह करम था बहुत ज्यादा भीड़ थी, लोग उससे काफी उन्होंने जो बोला है काफी लोग सुधरे हुए हैं और काफी लोग नमाजी हो गए हैं, काफी लोग,
और काफी लोगों को असर पड़ा है। तो अबू आसिम आजमी ने मुनव्वर जमा को बुलाने का मकसद एक ही था कि यहाँ के लोग जो थोड़ा सा रास्ते पे आ जाएं और सही काम करें। एजुकेशन के बारे में उन्होंने एक अच्छी नॉलेज दी है, उन्होंने बहुत सारी बातों को नॉलेज दी है। उन्होंने माँ बाप की इज्जत करना सीखो, नशा करना छोड़ दो और एजुकेशन पढ़ाई करो, पढ़ाई सबसे बड़ी चीज है, पढ़ाई के बारे में कहा और काफी बच्चे उस पे असर हुआ है काफी बच्चों के जहन पे। इसलिए अबू आसिम आदमी ने बहुत सारे काम किए हैं। अबू आसिम आदमी ने देखिए लाइब्रेरी खोली है, बच्चे 10x10 के रूम में रहते थे, पढ़ नहीं पाते थे, लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, वहां एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है फ्री में, गोंडी के बच्चे वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो मतलब जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ट्रेनिंग करके सर्विस कर रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चियों के लिए ब्यूटिशियन, सिलाई क्लासेस, ये सब कंप्यूटर क्लासेस। और मैं आपको एक बात बताऊं, कोविड के टाइम पे यहाँ 54-55 लोग का इंतकाल हो गया था, डायलिसिस नहीं हो पा रहा था। मैंने आसिम भाई को एक बार कहा, कई करोड़ रुपया लगा करके उन्होंने डायलिसिस सेंटर खोल दिया, आज 40 लोग फ्री में डायलिसिस आज कर रहे हैं डेली का डेली। तो अबू आसिम आदमी, हजारों लोग दवाएं ले रहे हैं जो है 10 रुपए में। तो अबू आसिम आदमी ने बहुत सारे काम किए, इन लोगों के आंख बंद है।